ये देखिए हम नॉट गेट का फैक्टर कर रहे हैं IC 7404 इस IC नंबर से कर रहे हैं, क्योंकि नॉट गेट की IC ये होती है। ठीक, तो हम IC का ये सर्किट बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये हेक्स इन्वर्टर सर्किट होता है, इसमें 14 पिन होती हैं, जो 7 नंबर पिन होती है वो ग्राउंड होती है, जो 14 नंबर पिन होती है वो VCC होती है। पहले नंबर पिन पे इनपुट होता है, दूसरे नंबर पिन पे आउटपुट होता है। ऐसे सारे ही जितने भी इन्वर्टर लगे हुए हैं सब पे ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए इसका ट्रुथ टेबल होता है नॉट गेट का, 0 देने पे 1 होगा, 1 देने पे 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्शन टेबल में हम जानते हैं कि जो पिन नंबर 1, 3, 5, 9, 11, 13 हैं ये हमारे इनपुट की तरह काम करते हैं, जो पिन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं ये आउटपुट की तरह काम करते हैं। और देखिए अगर हम 5 वोल्ट पे देते हैं इनपुट तो ऑफ हो जाएगा, 0 देते हैं तो ऑन हो जाता है उसको। ये हमारा थ्योरेटिकल है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा सर्किट है, ठीक है। नॉट गेट का IC नंबर है कितना है, ये 7404 IC। यहाँ देखिए IC है, ये पिन नंबर 1 है। ठीक, जो IC होती है कट ये सीधा होता है, जो ये डब्बा बना होता है इससे ही पता चलता है कि पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है। देखिए पिन नंबर 1 पे इनपुट के लिए वायर लगाया गया। ये देखिए, और ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल है, ये पिन नंबर 7 को ग्राउंड किया गया है, पिन नंबर 2 से आउटपुट लिया गया है। यहाँ एक किलो ओम का रजिस्टर लगाया गया है, यहाँ से LED का पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर लगा के यहाँ ग्राउंड किया गया है। ठीक, यहाँ देखिए ये यहाँ से पावर सप्लाई दिया गया है। यहाँ देखिए हम ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 7 वोल्ट है। ठीक है, 7 वोल्ट पावर दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा एलईडी ग्लो हो रही है।